नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टार एजुकेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं 14 मई 2019 के करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, केरल में मंदिरों के उत्सव के नाम से प्रसिद्ध किस उत्सव को हाल ही में शुभारंभ किया गया है? तो केरल में एक उत्सव मनाया जाता है त्रिशूर पूरम, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है और ये भी हाल ही में इसका शुभारंभ किया गया है। ये 13 मई 2019 को आरंभ हुआ है और उत्सव का आरंभ 54 वर्षीय हाथी द्वारा किया गया है। इस उत्सव के उद्घाटन समारोह में लगभग 10,000 लोग शामिल होते हैं। बात केरल की हो रही है तो केरल की राजधानी है त्रिवंतपुरम, केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। अच्छा, केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके अंदर 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अच्छा, वो 4 कौन कौन से हैं? पहला है इसमें कोच्चिकोड, दूसरा है हमारा इसके अंदर कोच्चि, तीसरा है त्रिवंतपुरम और चौथा है कन्नूर। ये 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला भारत का पहला राज्य है। केरल को शांत घाटी के नाम से भी जाना जाता है। केरल में पेरियार वन्यजीव अभयारण्य भी है। और बात अगर हम केरल की करें तो यहाँ पे मिर्च और मसाले हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे काली मिर्च वगैरह सबसे ज़्यादा भारत में होती है। 1 जून को सबसे पहले मॉनसून जो है वो केरल के मालाबार तट पे आता है, वो भी याद रखिएगा आप लोग। इतना हमें याद रखना है इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध बिरहा गायक का क्या नाम है जिन्हें बिरहा सम्राट भी कहा जाता था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इनका नाम था हीरालाल यादव, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। भारत के प्रसिद्ध बिरहा गायक हीरालाल यादव का 12 मई 2019 को वाराणसी में निधन हुआ है और 93 वर्ष के थे वे तथा पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे, जिन्हें बिरहा सम्राट के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टीम ने आईपीएल 2019 का खिताब जीता है? तो आईपीएल 2019 का खिताब जीता है मुंबई इंडियंस ने, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। इंडियन प्रीमियर लीग 2019 के फाइनल मुकाबले में 12 मई को मुंबई इंडियंस की टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को 1 रन से हरा के खिताब जीता है। तो ये 1 रन से जीत दर्ज की है मुंबई इंडियंस ने। चलिए आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि ये आईपीएल जो है ये शुरू कब हुए थे और इस बार ये कौन से नंबर के आईपीएल चल रहे थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने आईपीएल 2019 में पर्पल कैप का खिताब जीता है? तो पर्पल कैप का खिताब जीता है इमरान ताहिर ने। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक होगा। और इमरान ताहिर ने पर्पल कैप का खिताब जीता है, मुंबई इंडियंस ने फाइनल मुकाबला जीता है, तो हमें इतना याद रखना है इस क्वेश्चन से। अच्छा, आप मुझे ये भी कमेंट में लिख के बताइए, ये इमरान ताहिर है ये आपके विकेट कीपर है या बॉलर है या बैट्समैन है? अगला क्वेश्चन है, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में आए किस चक्रवाती तूफान से प्रभावित हुए किसानों, मछुआरों, महिला समूह और अन्य लोगों के लिए 1600 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो एक तूफान आया था अभी हाल ही में, इसको फानी या फोनी कई लैंग्वेज में बोला जा रहा है, फानी तूफान था ये, इसके कारण काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तबाही हुई है। इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मैं बता देता हूँ कि बंगाल की खाड़ी में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाला चक्रवात यही बना है अब तक का, तो ये याद रखिएगा। बात ओडिशा की हुई है तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, ओडिशा के मुख्यमंत्री तो नवीन पटनायक है ही, ओडिशा के राज्यपाल है प्रोफेसर गणेशी लाल। अच्छा, जब भी ओडिशा का जिक्र आए तो याद रखिएगा ओडिशा में पड़ती है एक चिल्का झील और चिल्का झील भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और बात की जाए ओडिशा के अंदर एक विल्लर द्वीप भी है, विल्लर द्वीप का नाम बदल के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, चीन की राजधानी बीजिंग में चल रही 7वीं चाइना पैरा एथलीट्स वर्ल्ड ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप में मेरठ की फातिमा खातून ने डिस्कस थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है अभी हाल ही में। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। और कांस्य पदक जीतकर जीतकर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है इन्होंने चीन। अच्छा, चीन की बात चल रही है ना यहाँ पे, तो चीन की राजधानी तो बीजिंग होगी, चीन की करेंसी क्या है? रिनमिनबे, और ऑफिशियल करेंसी है ये, इसका पार्ट तो युआन है और यहाँ के जो राष्ट्रपति है उनका नाम है जी जिनपिंग।
और भारत और चीन की एक लाइन है उसको मैकमोहन लाइन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के साथ करीब कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज को लेकर समझौता हुआ है अभी हाल ही में? तो ये समझौता हुआ है 42,000 करोड़ रुपए का, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है और पाकिस्तान को यह रकम 3 साल में दी जाएगी। बात IMF की है तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका जो हेड ऑफिस है वो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में है तो याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सांप्रदायिक झड़प के बाद पुलिस ने चिलाओ शहर में कर्फ्यू लगा दिया है और फेसबुक व व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया नेटवर्क व मैसेजिंग एप्स को अस्थायी तौर पर ब्लॉक कर दिया है? तो ये श्रीलंका में ब्लॉक किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर बाद में राहत मिल गई थी, अब दोबारा ऐसा हुआ है कि वहाँ पे जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं उन पे रोक लगा दी गई है। आपको याद होगा ये क्वेश्चन मैंने इससे रिलेटेड ये भी बताया था कि हमलों होने के बाद में बुर्का जो था वो बैन कर दिया है श्रीलंका की गवर्नमेंट ने। श्रीलंका की राजधानी दो है, एक कोलंबो है, एक श्री जयवर्धन कोटेपुरे है। यहाँ के राष्ट्रपति है मैत्रीपेला सिरिसेना, यहाँ के प्रधानमंत्री है रानिल विक्रमसिंघे और यहाँ की करेंसी है श्रीलंकन रुपया। अगला क्वेश्चन है, आयरलैंड जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो आपको याद होगा मैंने पहला देश बताया था ब्रिटेन और दूसरा देश अब बन गया है आयरलैंड जो कि जलवायु आपातकाल की घोषणा की है इसने। और बात करें हम आयरलैंड की तो आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, याद रखिएगा। और बात ब्रिटेन की हो रही है तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है और वहाँ के प्रधानमंत्री थेरेसा मे हैं। अगला क्वेश्चन है, 58वीं वेनिस कला प्रदर्शनी इटली के वेनिस में 11 मई से 24 नवंबर 2019 तक आयोजित की जाएगी। इसमें अप्रैल 1895 में खोली गई थी वेनिस कला प्रदर्शनी, दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित कला प्रदर्शनी है। इसे वेनिस में आयोजित किया जाता है और जिसे द क्वीन ऑफ द एड्रियाटिक और द फ्लोटिंग सिटी के रूप में भी जाना जाता है। इसे इंडियन पवेलियन का विषय रहेगा इस बार महात्मा गांधी के 150 वर्ष हैं। इस बार महात्मा गांधी जी की 2 अक्टूबर को 150वीं जयंती है तो इसी लिए इसका ये थीम रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला क्रिकेट पत्रिका क्रिक जोन का शुभारंभ हुआ है। ये जो आपको फोटो में दिख रही है यही है दुनिया की पहली क्रिकेट पत्रिका क्रिक जोन और इस भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना की कवर स्टोरी के रूप में उसे चुना गया है। पत्रिका में प्रकाशन यश लोहाटी है और पत्रिका क्रिक जोन का शुभारंभ जयपुर राजस्थान में महिलाओं के T20 चैलेंज इवेंट के मौके पर किया गया है जिसमें मिताली राज, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और डैनियल वायट, सोफी डेविने जैसे विदेशी खिलाड़ियों ने भी भाग लिया है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में बताया था, वाराणसी में हीरालाल यादव का निधन हुआ है, उनकी ये फोटो देख लीजिएगा, यही थे वो जिनको पद्मश्री पुरस्कार और बिरहा शैली के लिए बिरहा गायक कहा जाता था। उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे ये, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल राम नाईक है और वहाँ के वन्यजीव अभयारण्य में एक हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है दूधवा नेशनल पार्क, याद रखिएगा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनवरी 2019 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था। पद्मश्री पुरस्कार भारत में चौथे नंबर पर आता है, याद रखिएगा, पहले नंबर पर भारत रत्न है।